गुंडों को पकड़ने के लिए कछुए की तरह गाड़ी चलाता है और लाश उठाने के लिए चील की तरह उड़कर आ गया। कातिल लोग भी जगह ढूंढकर ही कत्ल करते हैं, एकांत में तालाब किनारे कचरे के पास। अरे बाप रे बाप, जानवर की सड़ी हुई लाश भी इतनी बदबू नहीं मारती। तुम लोगों में से सबसे पहले बॉडी किसने देखी? सर मैंने देखा। सुबह सुबह नदी किनारे तुम्हारा क्या काम है? बाथरूम के लिए आया था ना सर, तभी मैंने देखा। ए, बाथरूम जाने के लिए सब लोग धोती पहन कर आते हैं, तुम ऑफिस जाने वाले कपड़े में क्यों आए हो? आजकल लोग खुले मैदान को बाथरूम की तरह यूज कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन बुलाऊंगा, आना पड़ेगा। आ जाऊंगा सर, अगर हिम्मत नहीं होती तो फोन करके बुलाता क्या सर? हम जब भी पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे तुम्हें तब तब आना पड़ेगा। सर अब कभी भी बुलाइए, मैं तुरंत आ जाऊंगा, सच कह रहा हूं। कभी भी बुलाऊंगा तो आओगे ना? आ जाऊंगा सर। इस बॉडी को सीधा करो। ऐसा लग रहा है कि चार भेड़ियों ने इसे नोच लिया है। अब क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम का इंतजाम करो। क्या सर, ये केस भी पोस्टमार्टम है क्या? हमेशा आप लोग ऐसा ही करते हैं। सुनिए, हम लोग आपके साथ ही आए हैं ना, ये केस आपके सामने दिख रहा है ना, हम लोग तहकीकात तो कर ही रहे हैं। हम जहाँ भी पहुँचते हैं उससे पहले आप पहुँच जाते हैं। ये खून किसने किया, ये मरा हुआ कौन है, अगर हम लोगों को पता नहीं होगा तो जनता को कैसे पता चलेगा? कातिल को जल्दी पकड़ने का रास्ता ढूंढिए सर। पहले मरने वाले का पता लगाना है, उसके बाद इसके कातिल को पकड़ेंगे। सब कुछ अरेंज करने के बाद आपको बताएंगे, अभी जाइए। आप जब बुलाएंगे तभी आऊंगी। बॉडी लेकर जाओ। ये एक मर्डर है लेकिन वजह पता लगानी है। पोस्टमार्टम से पता चलेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक पोस्टमैन की तरह यहीं खड़े रहेंगे। एक बात और है, उस लड़के का भयानक चेहरा देखकर ऐसा लगा कि उसको मारने वाला निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक होगा। कत्ल करने वाली औरत है, ऐसा क्यों सोच रहे हो? कन्फर्म है वो औरत होगी जो आदमी को सामने रखकर इसको मारा होगा। इसका कारण है नाजायज संबंध। मरा हुआ व्यक्ति किसका पति है किसका प्रेमी है पता नहीं, लेकिन नाजायज संबंध के बीच में रुकावट होने की वजह से पत्नी ने मार दिया। उसका प्रेमी इसमें शामिल होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में दुश्मनी होने की वजह वही होगी। अगर पुरानी दुश्मनी होती तो पहले मार देता। हर बार हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग, पुलिस स्टेशन के सामने आसपास कट कर गिरा रहता है। हमें काम चाहिए ना, इसीलिए। चुप रहो यार, गलती मर्द करते हैं और इल्जाम औरत पर डाल देते हैं। जब तक इस खूनी का पता नहीं चलता हमें लाश की रखवाली करनी पड़ेगी दिन रात। पुलिस वाले तो मीडिया में घूस लेना, धमकी देना इसीलिए जाने जाते हैं, पर इस तरह के मर्डर, एक्सीडेंट और ऐसी लाशों का इन्वेस्टिगेशन करना, ये पुलिस वालों की तकलीफ किसे पता है? हम दोनों यहाँ पहरा दे रहे हैं, उससे अच्छा शमशान चलते हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नहीं तो मीडिया की नौकरी कर लेते हैं, रोज टीवी पर दिखेंगे, सही है ना? कॉमेडी करना बहुत इजी है, रेमेडी चाहिए। ये क्या है, डॉक्टर कहाँ गए? नमस्ते। पोस्टमार्टम हो गया है, ये लीजिए रिपोर्ट। लाश क्या बोल रही है? Oh, my God.
तुम लोग बीच पर भागने की तरह क्यों भाग रहे हो? यह बीच नहीं है, पुलिस स्टेशन है। सर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ए, तू इसको बाहों में लेकर बोलेगा तभी पता चलेगा लवर है क्या? हाथ हटा। सॉरी सर। अच्छा सुनो, पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों चले गए? पुलिस स्टेशन के अंदर गए तो क्या हुआ, उन्हें तो बाहर आना ही पड़ेगा। अंदर जाके उन्हें कह दो कि बस आने वाली है, कितनी भी देर हो जाए उन्हें तो बाहर आना ही पड़ेगा। कब तक अंदर बैठे रहेंगे? ये बताओ अब हमें क्या करना है? सर, हम दोनों की शादी के लिए हमारे पेरेंट्स राजी नहीं है, वो हम दोनों को दूर करना चाहते हैं। हम दोनों की रक्षा करो प्लीज सर। मैं अब क्या करूं बोलो, वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं क्या, इसीलिए पसीना छूट रहा है? हाँ सर, इसीलिए तो आया हूँ यहाँ पर। बस इतना ही ना, कौन अंदर आता है मैं देखता हूँ। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आए हैं सर। प्लीज सर, हमारी मदद कीजिए ना। इस पुलिस स्टेशन में हेल्पलाइन काम करेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम सब लोग मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। अभी तक इस पुलिस स्टेशन में 1500 शादियां करवा चुका हूँ। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते इनकी 60वीं सालगिरह करवाई थी। इनके पिताजी की 60वीं सालगिरह। इतना ही नहीं, अभी हमने इनकी 7वीं शादी करवाई है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें। वेट एंड सी, सर अभी आते होंगे। जैन सर। तू लड़की भगा कर लाया है, जैसे ही बाहर आएगा खत्म कर देंगे तुझे, छोड़ेंगे नहीं। बाहर निकल। देख क्या रहा है, बाहर निकल, चल निकल। सर क्यों नीचे उतर रहे? अरे कहा ना बाहर निकलने के लिए, चल निकल। ए देख, मैं जानता हूं कि तेरे पास पैसे हैं, ये जानकर ही तुझे रोका हूं। इज्जत से पैसा देकर चला जा, नहीं तो गला काट दूंगा। बैग इधर दे। सर चाहिए तो मेरा पैसा ले लो, लेकिन मुझे कुछ मत करना सर, प्लीज सर। ला इधर। आपको क्या ये बैग ही चाहिए? ना ये लीजिए ना, बैग ले लीजिए। Hmm?
लगा कि तुम लोग मुझसे ये बैग छीन लोगे। हाँ, औरत समझ रखा था क्या? पुलिस हूँ मैं। इस वर्दी से डर लगता है ना? डर कर रहो, पुलिस के सामने इज्जत से और डर कर रहना चाहिए। कुछ गुंडे लोगों की वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो तुम लोग सुधरोगे या सुधारने के लिए कोई नया तरीका अपनाना होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुबह से भाग रहे ये लोग। अच्छे से ख्याल रखो इनका, चलो थाने में पता चलेगा। चल आइए सर, ये लीजिए अपना पैसा, चेक कर लीजिए। थैंक यू मैडम। पैसे कमाने से ज्यादा उसकी हिफाजत करना ज्यादा मुश्किल होती है। क्रिमिनल का गैंग ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जगह मिले हुए होते हैं, इसलिए कौन चोर है कौन अच्छा इंसान है पता नहीं चलता। मेहनती लोगों से ज्यादा चोरों की संख्या बढ़ गई है यहाँ पर। तो आप जब पैसे निकालते हैं तो कोई देख रहा है या नहीं, कोई पीछा कर रहा है या नहीं, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा सर, और चौकन्ना रहना होगा। ठीक है। 8 करोड़ जनता के बीच में सिर्फ 1 लाख पुलिस है, हम सभी लोगों की हिफाजत तो नहीं कर सकते है ना? जब तक सजा बड़ी नहीं होगी तब तक गुनाह कम नहीं होंगे, और इसीलिए पुलिस हाथ में डंडा उठा लेती है तो लोग वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। पहले गुनहगार पुलिस को देखकर डरा करते थे, लेकिन अब पुलिस ही गुनहगार को देखकर डरती है। नहीं मैडम, मैं ऐसा कुछ आपको नहीं, नहीं कह रही, सबको कह रही हूँ। थैंक्स मैडम, मैं चलता हूँ। गुड लक। कौन है ये लोग? लवर्स है मैडम, ये दोनों शादी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। नॉनसेंस, ये पुलिस स्टेशन है, कोई रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं। तुम सब पुलिस हो या पंडित? ऑलरेडी यहाँ 1000 केसेस बिना इंक्वायरी के पड़े हैं, अब इन दोनों की शादी कराना हमारा काम है क्या? बाहर उनकी जान को खतरा है मैम। सुरक्षा चाहिए? क्यों, लॉकअप में इन दोनों की सुरक्षा के साथ सुहागरात अरेंज करके दे दूं? आई एम सो सॉरी मैम, आजकल धर्म जात बड़ी रुकावट बन गया है, पर प्यार करने वालों की शादी होनी चाहिए, इसीलिए सपोर्ट किया मैम, ताकि इनकी शादी हो और एक दूसरे के साथ खुश रहे। जात को मिटाना, जिस देश में जाति के लिए 1000 पार्टियां हैं, एक भी मर गया तो उसकी लाश को रख के दंगा आंदोलन करवाते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं उस पर। जात को ही मिटा देंगे तो कमाई कहाँ से करेंगे वो? इस तरह एक परंपरागत राजा को भी परसेंटेज चाहिए, अपने आप को नीचे गिराकर गलत सर्टिफिकेट लेते हैं वो, पर लड़की की शादी नहीं कर सकते, क्या बकवास है। क्योंकि जाति के बारे में ऊंची बात करने वाले लोगों की आखिरी जगह है शादी का मंडप। हम लोग भी वहां पर जात पात को भूल जाते हैं, लेकिन लोग हमें भूलने नहीं देते। जब से जन्म हुआ है तब से लेकर नौकरी करने तक शादी, बल्कि मरकर शमशान जाते वक्त भी जाति सर्टिफिकेट दिखाकर ही अंदर जाने देते हैं। जब इस देश में कहीं पर भी किसी की जात नहीं पूछेंगे ना, तो हम लोग जाति का नाम तक नहीं लेंगे, समझे? पर ये तभी होगा जब जनता मिलके स्ट्रॉन्ग फैसला लेगी, उसी दिन इस जात पात का अंत हो जाएगा। तब तक ये इंटरकास्ट मैरिज करना एक सपने जैसा ही है। हम आज इन्हें सुरक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये बाहर जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इन्हें सुरक्षा दे दो, लेकिन ये सुरक्षा हमेशा के लिए नहीं है। पर शादी के बाद क्या होगा, हर पल हर मिनट तुम लोगों को डर डर के ही रहना पड़ेगा, समझे तुम लोग? तो फिर तुम लोगों को ऐसी शादी करनी ही क्यों है? शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, हम सभी प्रेमियों को हर वक्त सुरक्षा नहीं दे सकते। जल्दी से इनके पेरेंट्स को लेकर आओ, चलो जल्दी से इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, उनसे पूछना है इस शादी में उनकी मंजूरी है या नहीं, वो हाँ कहेंगे तभी इनकी शादी हो पाएगी। तो फिर इनको वापस कर दे मैडम। क्या है, जैसे ये लोग बाहर जाएंगे ना, देखना ये लोग मारे जाएंगे, और 2 मर्डर्स हुए हैं, इस बात पे दंगे होंगे, फसाद होंगे। नो नो, वी हैव टू अवॉइड दैट। यहीं पर वेट करो। तो मैं वरमाला मंगवा लूं क्या? तू भी ना, तुम लोग वेट करो, कांस्टेबल इन लोगों के लिए लंच अरेंज करो। ओके मैडम,
मैडम की अभी तक शादी नहीं हुई इसीलिए वो गर्म है। मैं उनके लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, अभी चिंता मत करो सब हो जाएगा। संजय हमारी शादी होगी भी या नहीं मुझे डर लग रहा है। डरो मत, शादी जरूर होगी, हम दोनों बाहर से ज्यादा यहाँ सेफ हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, वो मर्डर केस का मैटर आपने फेसबुक पर डाल दिया है क्या? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालो। रॉड से मारकर उसका कत्ल किया गया है, चेहरे पर एक बहुत बड़ा पत्थर मारा गया है। बॉडी से रिलेटेड सारे एविडेंस मिल चुके हैं क्या? नहीं मैम, प्रेस को इन्फॉर्म कर दिया है, मीडिया को भी बता दिया है, पहचान कराने के लिए कोई नहीं आया अब तक। आसपास के पुलिस स्टेशन में लापता हुए आदमी की सारी डिटेल्स निकालो और बॉडी को मैच करके देखो, देखो कि इसकी बॉडी से मैच हो रही है या नहीं। जहाँ बॉडी मिली थी उस जगह को अच्छे से चेक करो, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। क्लू जरूर मिलेगा। पुलिस स्टेशन में कितने लोगों की मिसिंग केस आई है बताओ जरा? कुल मिलाकर 12 केस है मैडम, और उनमें से 3 बूढ़े लोग हैं जो कभी अपनी बीवी का पता ठिकाना नहीं लगाते हैं, और कुछ औरतें पति को नहीं ढूंढती हैं। कुल मिलाकर जोड़ घटाव करेंगे तो 2 केस है। रुक जाओ, कितने केस रेलेवेंट है और मिसिंग पर्सन के केस पेंडिंग है जल्दी बताओ। एक ही केस है मैम, 2014 में दुल्हन को मंडप में ही चाकू मारकर वहां से भगाया था, एक ही केस है। और इस केस की FIR, इंक्वायरी की डिटेल्स, सब कुछ मुझे अपने पास चाहिए। फाइल कहां पर है लेकर आओ। हां लेकर आओ, जल्दी लेकर आता हूं। हमारा पुलिस स्टेशन कितना परफेक्ट है देखिए, कंप्यूटर भी इतना फास्ट काम नहीं करता। पूरी फाइल इधर ला कर रख दी मैंने। निकालो निकालो जल्दी करो। वेरी सैड, चाकू शादी के मंडप में मारा है, क्या वजह हो सकती है? वो तो कुछ नहीं है मैडम, एक तरफा प्यार है मैडम। लड़का लड़की से प्यार करता था, लड़की लड़के से प्यार नहीं करती थी। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया। वो किसी और से शादी क्यों कर रही है ये सोचकर शादी के मंडप में जाकर लड़के ने लड़की को चाकू से गोद कर मार डाला। उनके साथ रहने वाले कमलेश और रवि गवाह है कि चाकू मारकर भगाया था। वो और उस लड़की के बीच में क्या संबंध है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ है। वो नहीं आ रहा है यार, निमिषा उस बस में जा रही है। एक दिन उसे ना देखूँ ना तो मेरी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती है। फिर गाड़ी मत चलाना। अरे मैं तो गाड़ी चलाकर ही कॉलेज जाता हूँ यार, बस गए बस 10 मिनट हुए हैं। तूने अगर उस बस को रोक पाया ना तो मैं हमेशा तेरे पैर पर पड़े रहूंगा। मेरे पैर मत पकड़, जाके उसके पैर पकड़। ए प्लीज मेरे लिए तू कुछ करना। ए सुनना, ए मैंने कहा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत इजी है। अच्छा, मैंने खुद बनाया है, सच में। पागल है क्या, कैसे गाड़ी चला रहा है? तो तमीज भी नहीं है गाड़ी चलाने की। आंखें बंद करके चला रहा था। देख तेरा हीरो आ रहा है। हाय डार्लिंग। जस्ट 4 hours। अरे संभल कर। ए, रुको। क्या है, इतनी स्पीड में क्यों आ रहे थे? अकल नहीं है क्या तुम्हें? कहीं तुम नीचे ना गिर जाओ ये सोच के मेरा दिल धक धक कर रहा था। तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होता? किसी को कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा ठीक है, अगर हाथ पैर टूट जाते तो तुम्हारा ख्याल कौन रखता? क्यों, तुम हो ना मेरी बीवी। बगल में आके लेट जाओ, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के आराम से मुझे सब कुछ सिखा देना। क्या बोल रहा है, मैं तेरी बीवी हूँ क्या? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? तुझे तो कुछ भी बोलना ही बेकार है, तू कभी सुधरने वाला नहीं। एक दिन देखना गाड़ी के नीचे आके मर जाएगा। तेरी तो बेवकूफ पागल कहीं का। ये सब की जरूरत क्या थी यार? एक लड़का सर्कस दिखा रहा है तो उसे समझाने के लिए क्यों गई? वो खुद गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगा, ऐसे लोगों को देखना ही नहीं चाहिए और उन्हें ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। मैं ऐसे नहीं रह सकती। फिर ऐसे तो मार खाना भी कोई रोक नहीं सकता है ना। अरे 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 क्या कर रहे हो, लाइन में लगो, लाइन में लगो, सबको पानी मिलेगा, लाइन में खड़े हो जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। सुनिए,
बड़े लोग पहले आकर पानी लेकर जाइए। चलिए लाइन में लग जाओ, पानी डालो इसमें भी, सबको लाइन में लगाओ ना, ऐसे कैसे आगे जाके पानी भर लेगी। तुम क्या है यार, इन बुढ़े लोगों को आगे क्यों खड़ा किया? अरे यार, जवान लड़कियों को पीछे रोक कर थोड़ी देर देखना चाहता हूँ। खेत में उगने वाली घास को पानी दे रहा है क्या? जाने दे, चल जा यहाँ से, जा। सब लोग लाइन में खड़े रहो। हाँ बेटा, तुम सबका दिल जीत रहे हो। ठीक है, चलो चलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी करो, लाइन में खड़े रहो। अरे यार, कमीना, औरतों को देख के इस तरह से घिर रहा है जैसे कि बंदर गुलाटी मार रहा हो। ओके बाय बाय। ऑटो 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 ऑटो, अरे रुक जाना भाई। हाँ। भाई एक अर्जेंट काम है। अरे क्या काम है भाई? अच्छा तुम हो क्या, तब तो बहुत अच्छा है, चलो नीचे उतरो। नहीं पर क्यों, मैं क्यों नीचे उतरूं? तेरी धमकी से मैं डरने वाली नहीं, मुझे जल्दी से कॉलेज जाना है। हाँ? बड़ी आई कॉलेज जाने वाली, एक चाटा दूंगा, चलो नीचे उतरो। देखो अगर तुमने मुझे मारा तो मैं चिल्लाऊंगी। अरे मेरी माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हालत को समझो। वहाँ पर एक लड़की है, उस लड़की को उसके घर छोड़ना है। इधर आओ बेटा। अरे इस लड़की को क्या हुआ? अरे वो क्या है कि वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, एक काम करो तुम इससे ही पूछ लो ना। मेरी बात सुनो, इस लड़की को सही सलामत घर छोड़ देना, नहीं तो कॉलेज में ढूंढ के तुम्हें मारूंगा मैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये लो पकड़ो ये लड़की, जो भी एड्रेस बताए इसके घर पे इसे छोड़ देना। हाँ भाई जा जा जा। आइए माँ जी। हाँ कहाँ है मेरा भाई? हाँ मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? यहाँ पर पानी की लॉरी चलाते हैं। माल लेकर बाहर गया होगा तो? नहीं कहीं नहीं गया होगा। अगर वो गया होगा तो जब तक आएगा मैं उसके लिए इंतजार करूँगी, मैं उससे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी। सभी गाड़ियाँ यहीं पर है, आइए। वो देखिए वो वहाँ पर है, देखिए। तुम भी चलो, आप जाकर बात कर लीजिए, मुझे देख कर टेंशन में आ जाएगा। भाई तुमने मेरे सगे भाई जैसा काम किया है, तुम सच में मेरे भाई हो। आप कौन है मैडम और क्या बात कर रहे हैं? हल्दी पानी के बदले कॉर्पोरेशन पानी को डालकर तुमने रिवर्स किया, उसी बेटी की माँ हूँ मैं। भाई लड़की के लिए मैंने एक फंक्शन रखा है, तुम ही सगे मामा बनकर वहाँ पर आकर रिवाज पूरी करना। पहला न्योता आपको ही दे रही हूँ, जरूर आना। दीदी मेरा आपसे कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन हर बात पे आप मुझे भाई भाई कह के बोल रही हैं, मैं जरूर आऊंगा दीदी। भाई अगर तुम नहीं आए तो हम लोग फंक्शन ही नहीं करेंगे, जरूर आ जाना। रुकिए दीदी। क्या है भाई? ये लीजिए, ये मामा की तरफ से दक्षिणा है। पैसा देकर फंक्शन में आना मत भूलना, तुम्हें जरूर आना पड़ेगा, समझ गए? जरूर आऊंगा दीदी, आप जाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या है ये? ऑटो के पैसे। अब वो पैसे लौटाने के लिए आई हूँ। हाँ?
पता है तुम्हें आज क्या हुआ? मैं बहुत बोर हो रही थी। कहाँ उसे बुलाओ? अरे उसको देखा। ठीक है, हाँ वो आ जाएगा। बुला तो सही। ए, यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो क्या है कि वो क्या है? चलो चलते हैं। क्या है? वो क्या है कि उस दिन तुम मुझे किस करके गई थी ना, तो फिर अभी क्या है? तो वो दोस्तों ने बोला कि तुम फिर से उसी तरह। किस तरह? अरे वही। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी तो ऐसा ही बोल रहा था उन्हें, लेकिन वो लोग हैं कि मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। बताओ मैं क्या करूं? वो लोग कह रहे थे कि इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें आकर के किस दे रही है और तुम इस तरह से भाव खा रहे हो। ओहो, अच्छा काम जो भी करता है मैं उन्हें किस करती हूँ, ये मेरी पॉलिसी है, बस इतना ही। ये तुम्हारी पॉलिसी है और कुछ भी नहीं है? नहीं है। सच में ही कुछ नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब फिर मैं जाऊँ क्या? चलो जाओ यहाँ से। यार क्या हुआ? मैं इस गुलाब को खा सकता हूँ? तो अगर छुआ भी ना तो हाथ तोड़ दूंगा। चल जा, जाके गाड़ी धो। यार वो तो पानी की गाड़ी है ना, उसे क्यों धोने की जरूरत है? अबे जा ना। मैंने गुलाब का फूल क्या छू लिया? ऐसा लग रहा है मैंने इसकी बीवी को छू लिया हो। बताओ तुम्हें छूने की बात कर रहा है? तुम कोई खाने की चीज हो? हाँ, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे छूना मत, नहीं तो हाथ नहीं रहेगा। हाँ, हाथ नहीं रहेगा? कौन काटेगा मेरे हाथ? यहाँ पर एक लड़का एक लड़की को लाइन मार रहा है। उस लड़की को जब भी देखता हूँ वो हर एक गुलाब का पौधा लाकर उसे देखता रहता है। ओह। अगर तुमने उसे छुआ तो वो एकदम खतरनाक भयानक बन जाएगा। गुलाब के पौधे को प्यार करने वाला सज्जन व्यक्ति कौन है? मैं देख कर आती हूं। कौन हो तुम, क्यों आई हो? मैं काम वाली हूँ, मनी से मिलने के लिए आई हूँ, उन्होंने ही बुलाया था। कौन सा रूम है? मनी से मिलने आई हो? ऊपर तीसरे माले पर, लास्ट रूम। थैंक यू अंकल। रूम नंबर मैंने कहीं पर देखा है। मुझे देने के लिए लेकर रखा है क्या? देखो तो घर की सफाई चल रही है। जाओ यहाँ से। अपना रूम ऐसे कैसे बदल गया यार? सुन, दूसरे के रूम में लाकर आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो। चल ठीक है, अपने रूम में चलते हैं। आजा। हे, अंदर इतना धुआं है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई गलत फहमी नहीं है यार, ये अपना ही रूम है। तुझे कैसे पता? यहाँ पर देखो, ये छेदों वाली मेरी चड्डी यहीं पर टंगी हुई है। तो फिर वो लड़की कौन है? तुमने ही उसे अकेला छोड़ा, तुम्हें पूछना चाहिए। इस रूम में कोई लड़की आई थी, तुमने देखा था? देखा था ना, अभी नीचे उतर के गई है। नौकरानी है बोल रही थी, लेकिन नौकरानी लग नहीं रही थी। दिखने में तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। हाँ
रुक जाओ। hey, तुम मानी हो ना? अरे मैं कोई मीना नहीं हूँ, मैं झोपड़पट्टी में रहने वाली आयरा हूँ। hey, तुमने ही मेरे रूम को ठीक किया ना? हाँ, मैं क्यों तेरे रूम पर आऊंगी, तेरा मेरा क्या संबंध है? तुम मेरे रूम पे आई थी ना? हाँ हाँ आई, मुझसे मिलने के लिए आई थी ना, तो बिना मुझसे मिले क्यों जा रही हो? वो मेरी मर्जी है। hey, रुको, कहाँ जा रही हो? अरे अरे, ये मेरा हाथ पकड़ कर खींच रहा है, नौकरानी समझ कर सड़क पर हाथ पकड़ कर खींच रहा है। इस अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला कोई नहीं है क्या यहाँ पर? कोई बचाओ मुझे। अरे नहीं नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जाओ ना यहाँ से, जाओ। मणि मणि, जब भी तुम मुझे मिलती हो किसी नए रूप में मिलती हो, यहाँ क्यों आई हो? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं, मेरे पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, शादी की डेट भी निकलवा रहे हैं। ओहो, अपनी शादी में मुझे बुलाने के लिए आई हो? ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा, खाना खाऊंगा और तुम्हें गिफ्ट भी दूंगा। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरे पापा ने लड़का ही देखा है ना, उसके लिए मैंने क्या बोला तुम पूछो ना, पूछो ना। तुमने क्या बोला होगा? पापा मुझे मंजूर है, अच्छे बच्चों की तरह सिर हिला दिया होगा, है ना? आहा, नहीं नहीं, मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उससे ही शादी करने वाली हूँ, मैंने अपने पापा से कह दिया है। मेरे पापा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, मेरी खुशी ही उनकी खुशी है ये कहकर मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके घर पर हाथ मांगने जाएंगे कह रहे थे। तुम अपनी प्रेम कथा मुझे क्यों सुना रही हो? जो तुमसे प्यार करता है जाके उसे बोलो ना ये सब। तुम तो लोफर हो। ये लो टॉवल, अपना सर पोंछ लो, मैं जाके दूसरा ड्रेस लेके आता हूँ। ए नहीं नहीं, यही कपड़े उतार कर सुखा लेती हूँ, सूखने के बाद फिर पहन लूंगी। सूखने में देर हो जाएगी, तब तक क्या तुम ऐसे बिना कपड़े के रहोगी? हाँ, बड़ी इच्छाएं जाग रही हैं। अच्छा एक काम करो, अपनी शर्ट दे दो, मैं पहन लेती हूँ। हाँ, कैसी लग रही हूँ? प्यार का मतलब इंतजार करना होता है, शादी तक तुम मेरा इंतजार करोगी क्या? बोलो ना, करोगी या नहीं करोगी? मेरा इंतजार करोगी ना तुम? जरूर इंतजार करूंगी, तुम्हारे लिए मैं आखिरी सांस तक इंतजार करूंगी। दूसरे से प्यार करते थे, फिर उनकी शादी क्यों नहीं हुई, क्या प्रॉब्लम थी? उस लड़की के बाप ने लड़के को क्यों पसंद नहीं किया उसका रीजन बताया है उसने, जैसा उसने बताया वैसा ही हमने लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए। गाड़ी रोक रे, गाड़ी रोक। ओए, क्या है? देख के गाड़ी नहीं चलाता है,
क्यों यार, तुम नीचे गिर गए क्या? जान चली जाती तो तेरा बाप देता क्या? छी, बुड्ढा कहीं का। अरे तुझे देख के चलना चाहिए था ना। पहले तमीज से बात करो, तुम्हारे जैसे ड्राइवर्स की वजह से सिटी में बहुत एक्सीडेंट होते हैं और ये पानी की गाड़ी चलाने वाले लोग बहुत एक्सीडेंट करते हैं। ऐसी क्या जल्दी है तुम लोगों को? गाड़ी में देख, इसमें लिखा हुआ है कि गाड़ी में पानी है, जल्दी जाना है, कोई भी इसे रोकेगा नहीं। तुझे अपनी साइड से चलना चाहिए था ना। साइड दे वरना गाड़ी चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर। अबे तेरी जान चली जाएगी, मुझे क्या? मुझे तो 6 महीने की जेल होगी और 1500 रुपए का जुर्माना लगेगा। समझ गया ना? चल यहाँ से, जा। अच्छा देखता हूँ कैसे जाता है। सामने से हट। नहीं जाऊंगा, मेरी जान तुम लोगों को मामूली लग रही है। मार डाल। कहाँ गाड़ी? कहाँ? आजा आजा, देख लेता हूँ। आजा। अरे क्या कर रहे हो यार? आजा आजा, आ आ, आजा आजा आजा। हिम्मत करके आजा। नालायक कहीं का। ऐसे लोगों को पता नहीं किसने लाइसेंस दिया। किसके बारे में बात कर रहे हो पापा? जॉगिंग के लिए गए थे ना आप? कबड्डी खेल कर आ रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है। सॉरी बेटा, तुम्हारा जोक सुनकर हंसने की हालत में नहीं हूँ मैं। उसका चेहरा देखता हूँ तो अंदर से जल जाता हूँ। उस नालायक को भूल नहीं सकता। एक तो उम्र का लिहाज नहीं, ऊपर से गाड़ी चला रहा था। उससे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। गाड़ी नंबर नोट किया क्या आपने? पुलिस को कम्प्लेन कर देते हैं। कंप्लेंट? तुम भी ना बेटी, वो जजमेंट दे रहा था। मार देता तो 1500 रुपए का जुर्माना देके छूट जाता। मेरी जान की कीमत लगा दी उसने। पता नहीं किसका मुंह देखकर रूठा मैं। यानी अटेम्प्ट टू मर्डर केस ही डाल सकते हैं। चलिए पापा। नहीं बेटा, अब इस कोर्ट केस के चक्कर में रहे तो तुम्हारी अच्छी जगह शादी नहीं करवा पाऊंगा। तुम्हारी शादी करवा दूं, उसके बाद मैं उसे देख लूंगा। इतनी जल्दी आप मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। पहले मेरी पढ़ाई, उसके बाद ही शादी। ओके ना? जैसी तुम्हारी मर्जी। आप पहले शावर के नीचे खड़े होकर नहा लीजिए, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, जो हुआ भूल जाइए। उस कमीने ड्राइवर को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ना 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 ना। क्या बात है बेटा, सब कुछ ठीक ठाक है ना? पहले आपको जो ड्राइवर के ऊपर गलत फहमी है उसे भूल जाइए। मेरे गुस्से को मत बढ़ाओ बेटी, तुम क्यों उसकी याद दिला रही हो? उसके बारे में सोचते ही दिल जलने लगता है। गाड़ी वाले भी अच्छे इंसान होते हैं। ऐसा ही एक अच्छा इंसान मैंने देखा है। एक औरत भी ऐसा ख्याल नहीं रखती होगी जितना ख्याल वो बाकी सब का रखता है। सच कह रही हूँ पापा, सुपर है वो। सच में तुमने जो ड्राइवर देखा है अच्छा इंसान है। मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने जिसे देखा वो अच्छा ही होगा। मुझे भी टक्कर मारने वाला ड्राइवर है, उन सबको उसे देखकर सीखना चाहिए। अच्छे इंसानों की हमें इज्जत करनी चाहिए। हाँ पापा, मैंने उसमें जो देखा है इसीलिए तारीफ कर रही हूँ। वेरी गुड, ऐसे ही अच्छे इंसानों के साथ रहना चाहिए। मैं जल्दी ही उससे मिलूंगा। यार जरा उधर देख ना। कैसे हैं आप? मैं अच्छा। अब बस तू देखता जा। ये आपकी बेटी है क्या? हाँ, अरे ये तो बहुत बड़ी हो गई। आपने देखा। क्या तुम तो नहा लिए? कैसा लगा? तू है क्या? अच्छे से नहाए, काफी दिन हो गए थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुझे नहला दूं। इसके लिए मैं कोई चार्ज भी नहीं लेता हूँ। गुंडे मवाली कहीं के, किसी को इज्जत नहीं देनी आती, बेवकूफ कहीं के। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, जल्दी मरोगे। बाय 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 आंटी बाय। कौन है ये पापा? लापता हो गया है क्या? अरे मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है। वो ऑस्ट्रेलिया में है, पढ़ाई करके अच्छी नौकरी कर रहा है, इसलिए मैं हाँ करके आया हूँ। नहीं पापा। क्यों बेटा? मैं किसी से प्यार करती हूँ। आजकल लड़की को जन्म देने वाले माता पिता खुद फैसला नहीं ले सकते, लड़की के बारे में कुछ सोच नहीं सकते। हमारी तो अब कोई सुनता ही नहीं। पापा, वो कौन है आपको बताऊंगी तो आपको भी पसंद आएगा। ठीक है, कौन है वो, कहाँ नौकरी करता है? वो पानी की गाड़ी चलाता है पापा। क्या?
पानी की गाड़ी चलाता है? मैं इसके लिए हाँ नहीं कहूँगा। क्या बेटी, तुम्हें कोई और नहीं मिला? पानी की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का नाम सुनते ही मुझे उस गुंडे की शक्ल याद आती है। पापा, आपको जो मारने के लिए आया था वो ड्राइवर अलग था पापा। अब मैं जिससे प्यार करती हूँ वो ड्राइवर अलग है। दोनों को मिलाकर कंफ्यूज मत होइए पापा, मैंने बताया था ना पहले, आपने भी हाँ कहा था। मैं उससे ही प्यार करती हूँ पापा। तुम जो कह रही हो वो अच्छा लड़का है क्या? हाँ है। उससे कहो अपने परिवार के साथ मुझसे मिलने आए। मीना, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। थैंक्स पापा। लड़के वाले आ गए। नमस्ते। नमस्ते। टीका लगाओ बेटी। हाँ आइए। हाँ, चलिए अंदर। दामाद जी, रानी जैसी बेटी को ले जाने के लिए लॉरी लेकर आए हैं। थोड़ा रुकिए, उनको आने दीजिए, फिर सगाई करेंगे। पहले लड़की को तो बुलाइए। पहले तूने कभी लड़की को नहीं देखा क्या? देख भाई, लड़की भी आ गई, पर अभी तक ससुर का कोई पता नहीं है कहाँ है। जल्दी आइए पापा। आ रहा हूँ बेटा, सगाई के लिए अच्छा मुहूर्त देख रहा था। लड़के वाले आ गए हैं क्या? अरे यार, अरे बाप रे, इसके पापा हैं। इनमें से दूल्हा कौन है? ये क्या, तुम्हें घर के अंदर किसने आने दिया? उड़ो यहाँ से। यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। अगर यहाँ खड़ा रहा तो चप्पल से मारूंगा। पापा, ये वो मणि ही है, आपका दामाद। मेरा दामाद? ये तू इससे प्यार करती है? इसके लिए तूने उस लड़के को पसंद नहीं किया? अब मुझे समझ में आ रहा है, आपने जिस लड़के को देखा है मैं उससे शादी कर लूं, इसीलिए मैं जिस लड़के से प्यार करती हूं उसे सबके सामने आप बदनाम करना चाह रहे हैं। यही आपका रियल कैरेक्टर है? उसका रियल कैरेक्टर तुम्हें नहीं पता। जो मुझे गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश कर रहा था और कोई नहीं, यही है। इससे अपनी बेटी की शादी कराकर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। इंसान नहीं है वो। मीना, उठो मीना। हे, इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, चलो तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? शादी करने के लिए। मैं नहीं आ सकती, मैं अपने पापा को बताए बिना कहीं नहीं जा सकती। तो तुम मेरे साथ नहीं आओगी? अरे क्यों नहीं आओगी, चलो मेरे साथ चलो।
ए, चलो ना तुम चलो, मुझे कह रहा हूँ ना चलो, आज मैं तुम्हें ले चलूंगा, चलो चलो क्या चलो, हम दोनों की शादी के लिए किसी की कोई जरूरत नहीं, चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, कोई नहीं, मैं तुम्हें बड़ा पुत्र बनाऊंगा, मैं परिवार की जरूरत नहीं है और ना मुझे, चलो मेरे साथ चलो, किसी यहाँ से, तूने हिम्मत कैसे की मेरे घर के अंदर आने की, छोड़ मेरी बेटी को, वो मेरी बेटी है, प्यार करता हूँ, कोई बीच में नहीं आएगा, चलो तुम, मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा, छोड़ उसका हाथ, छोड़ मेरी बेटी को, मैं इससे प्यार करता हूँ और इसी से मैं शादी करूँगा, और कोई भी बीच में आया ना, जब तक मैं जिंदा हूँ नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, मैंने गलत कर दिया, उस दिन तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार देना चाहिए था, ना तू जिंदा होता ना आज ऐसा कुछ होता। मड़ी क्या बोल रहा है, देखा शराबी गुंडा मवाली कहीं का, मैं अपनी बेटी को मार दूंगा लेकिन तेरे साथ शादी नहीं होने दूंगा। अरे मड़ी, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पापा पर हाथ उठाया तूने, कल मुझे कोई भी तकलीफ हुई तो रोने के लिए एक मेरे सहारा मेरे पापा ही है, उनके सिवा कोई नहीं है, और तुमने उनके ऊपर हाथ उठाया, अगर मैंने तुमसे शादी की तो तुम मुझे भी मारोगे, तुम्हारे अंदर प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं, अगर अच्छे घर में तुमने जन्म लिया होता तब तुम्हें पता चलता मैंने एक फालतू इंसान से प्यार कर लिया, अच्छे सारी मेरी गलती है, मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुमसे कभी प्यार भी किया था, अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई संबंध नहीं है। अरे जा तू, बड़ी आई प्यार करने वाली, दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की है क्या तू, और कोई नहीं है, अरे जा ना, चल जा यहाँ से, जा 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 तू, जा जा तू जा। लड़की को तुम्हारा साथ में उसके बाप को भी मारा, दिमाग खराब हो गया था क्या उसका? मैं कभी-कभी लड़की को तुम्हारा साथ में उसके बाप को भी मारा, दिमाग खराब हो गया था क्या उसका? ये सब कुछ होने के बाद वो घर खाली करके उस एरिया को छोड़कर चले गए, लेकिन वो उस लड़की को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहा है, वो उस लड़की को कभी भूल नहीं पाया है लेकिन अपने दोस्तों के सामने भूल जाने का नाटक कर रहा है। अरे रुक रुक, यही जगह है, देखा देखा ना कितनी जल्दी आ गया, तू जाकर के बस पकड़ आराम से, हाँ मैं आ जाऊँ। अरे रुकना, बाद में चला जाना, मैं तेरे काम के लिए तुझे यहाँ लेकर आया हूँ, मीना यहीं पर नौकरी करती है, हाँ उसे यहाँ नौकरी करते हुए एक महीना हो चुका है, थोड़ी देर में आने वाली है, मिलकर जाना तू उससे। मैं उस लड़की का चेहरा भी नहीं देखना चाहता, समझा ना, तू इस मैटर में मत पड़। मैंने जो भी किया तेरे लिए ही किया और तूने मुझे ही थप्पड़ मार दिया। आप कौन है सर, किससे मिलना है? मीना से मिलना है। वो तो 5 बजे ही चली गई यहाँ से। तुम्हें पता है मनी तुमसे मिलने के लिए कितना तड़प रहा है? उसके बारे में बात मत करो वरना मैं जा रही हूँ। अरे रुक जाओ, प्यार करते वक्त ऐसी छोटी छोटी बातें लवर्स के बीच में आती रहती हैं। इन बातों को बड़ा मत करो यार। क्या कहा, छोटी सी लड़ाई, पूरा गांव तमाशा देख रहा था, मेरे पापा के बीच रास्ते पर खड़े होकर उसने बेइज्जती की है, अपनी जान नहीं दी बस इतना ही है, जानवर है वो, उसकी बात मत करो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उसने गलती की और वो उसके लिए सॉरी बोलना चाहता है। अरे अरे तुम लोगों ने पता लगा लिया, मारने के बाद माफी मांगेगा तो सब ठीक हो जाएगा।
तुमने भी तो उसे मारा था, उसने तुम्हें मारा क्या? उसका ज्यादा सपोर्ट मत करो, वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। देखो वो बस तुमसे मिलना चाहता है, कल भी वो तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो अपने वॉचमैन से पूछ लेना, तुम्हारा नाम लेते ही वो भाग कर आता है, तुमसे माफी मांगना चाहता है। मुझे देखते ही जानवर बन जाएगा, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती, वो बिना ब्रेक की गाड़ी जैसा है, कंट्रोल नहीं कर सकता वो। मेरे ऊपर जो उसे गुस्सा है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। मैं नहीं जाऊंगी। हम लोग साथ चलते हैं, एक बार मिल लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे सोचने के लिए वक्त दो, उसके बाद मैं मिलने का सोचती हूँ। अगर लड़ाई हो तो तुरंत समाधान होना चाहिए, अगर इसे टालते रहोगे तो दोनों के दोनों ही हमेशा के लिए बिछड़ जाओगे। वो मेंशन में मिलेगा, चलो चलते हैं। नहीं नहीं, इसमें जरूर कुछ मिस हो रहा है, उसके बाद भी वो लड़की दूसरी शादी के लिए कैसे राजी हुई? वो तो उसे छोड़ दे, लेकिन लड़का उसके आसपास नौकरा की तरह घूमते रहता है, इसीलिए लड़की ने अपना मन बदल दिया और उस लड़के के प्यार की परवाह किए बिना वो उस लड़के से दूर जाने लगी, लेकिन लड़के के मन में उसके लिए प्यार कम नहीं हुआ। कैसे उसे तोड़ने की? तेरी जान ले लूँगा। I love you कहकर जब मैंने एक लड़की को ये भूल दिया तो देखने वालों ने मुझे नदी में फेंक दिया। मैं तो समझा था मैं मर ही गया, पर मरा नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ रखा है मैंने अपना प्यार। रमिया, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। रमिया, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊंगा? ये ले, ये फूल ले और आई लव यू बोल दे। आई लव यू बोल ना, आई लव यू बोल, आई लव यू बोल, मुझे सिर्फ एक बार आई लव यू बोल दे। आई लव यू बोल ना, आई लव यू बोल, आई लव यू बोल, आई लव यू बोल, आई लव यू बोल, बोल ना। आई लव यू नहीं बोलती है ये, आई लव यू नहीं बोलती मुझे, आई लव यू नहीं बोलती है, ऐसे करती है मेरे साथ। आई लव यू नहीं बोलती, आई लव यू बोल ना। गुलाब के पौधों की क्या गलती थी, इस तरह से उजाड़ दिया। मेरे ऊपर जो गुस्सा था वो इन सब पर उतार दिया। वो सुधर गया है, बदल गया है, तुम लोगों ने ये कह के मुझे यहाँ लेकर आए। उसका गुस्सा अब तक उतरा नहीं है, तुम लोगों की बातों पर विश्वास करके मैं यहाँ पर आई हूँ। सोचा नहीं था वो ऐसा करेगा। मेरी बात तो सुनो। ए, तू इंसान है या जानवर? तूने ये सब क्या कर दिया? मीना के पैर पकड़कर उसे मना कर मैं उसे यहाँ लेकर आया था और वो ये सब देखकर नाराज होकर चली गई। तुम जैसे लोग क्यों प्यार करते हैं? ची, कुछ नहीं होगा तुझसे। मीना आई थी क्या यहाँ? उसने ये सब देख लिया? अरे यार।
तेरे लिए वो कुछ भी नहीं है क्या? प्लीज भूल जा यार उसे, हम लोग तुझे बेवकूफ लग रहे हैं। पागलों की तरह क्यों बात कर रहे हैं? मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है, मैं किसी के प्यार में डूबा नहीं हूँ। अरे मैं उसे कब का भूल चुका हूँ। भूल गया तू? फिर इसकी दी हुई टी शर्ट को पहन कर एकदम हीरो की तरह यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा है? वो क्या है कि मेरे पास कोई दूसरी टी शर्ट नहीं थी, इसलिए मैंने ये पहन ली है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैंने पहना, ये ड्रेस साफ थी इसलिए मैंने इसे पहन लिया। क्यों, तेरे पास खाकी ड्रेस नहीं है क्या? उसे पहनना चाहिए था। तूने उसे भुला दिया, ये सरासर झूठ है। अगर तू उसे भूल चुका होता तो उसकी याद दिलाने वाली कोई चीज भी नहीं रखता अपने पास। मैं उसे भूल चुका हूँ, मैं उसे भूल चुका हूँ, भूल चुका हूँ, भूल चुका हूँ। उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं बची, उसकी यादें मेरे दिल से निकल चुकी हैं। तुझे चाहिए तो मैं इसका प्रूफ देता हूँ। मैंने आज ये टी शर्ट पहनी है इसलिए तू ऐसा कह रहा है ना, ये ले। ये पैंट भी उसने ही दी थी ना, ये ले। क्या कर रहा है? नहीं 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 नहीं, सब कुछ ऑफिस दूंगा। उसके दी हुई कोई भी चीज अपने पास नहीं रखूंगा मैं। ये ले। क्या कर रहा है तू? मैंने कहा ना मैं उसे भूल चुका हूँ। अभी और पूछ देता हूँ, रुक जा रुक जा। अभी निकालता हूँ। जो बोले वो गलत था, प्लीज ऐसा मत कर। ऐसा क्यों कर रहा है यार? पागल हो गया क्या? मुझे विश्वास हो गया है कि तू बोल रहा है वो सब सही है। अरे भाई ये ले, मत कर ऐसा। मैंने कहा ना मैं उसे भूल चुका हूँ, उसकी दी हुई चीज को मैंने यार के लाख कर दिया। प्लीज भूल जा यार उसे। अरे यार ऐसा मत कर प्लीज। मनी तुम उसके बारे में सोचकर दुखी मत हो और मुझे भी दुखी मत करो बेटा। वो मुझसे कितनी नफरत करता है इसलिए तो ऐसा कर रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है पापा। रही बेटा? मैं हूँ ना, किसी के बारे में मत सोचो। क्या हुआ मीना, ऐसे क्यों कर रही हो? मीना मीना क्या हुआ बेटा? मीना मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, क्या हो गया? जल्दी इंजेक्शन लाओ। चिंता मत कीजिए, बुखार ज्यादा होने की वजह से ऐसा कर रही है। मैंने दवाई लिख दी है, जल्दी से लेकर आइए। ठीक है डॉक्टर। जब तेज चलाओ बेटा, दवा लेकर आना, मेरी बेटी सीरियस है। हाँ ठीक है साहब। पानी वाली गाड़ी आ रही है, संभल कर चलाना बेटा, लग रहा है सीधा आकर टक्कर मारेगा हमें। अरे नहीं मारेगा सर। वो पानी की गाड़ी चलाने वाला वही है उस लड़की ने बताया? उस लड़की ने नहीं बताया मैडम, ऑटो वाले का दिया हुआ स्टेटमेंट है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है। कांटेक्ट नंबर पेशेंट के लिए ब्लड अरेंज करो। मेरे पापा कैसे हैं? कोई डरने की बात तो नहीं है ना? सर पर चोट लगने की वजह से कंडीशन थोड़ी सीरियस है। मीना मीना
तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? मैंने सुना कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, बताओ ना क्या हुआ। तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया, कैसे हुआ ये? वो मर चुके हैं। अब तुम्हें खुशी मिल गई ना? मेरे पापा के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर अब अच्छे इंसान बनकर उनके बारे में बात कर रहे हो? तुमने जैसा कहा था वैसा कर दिया ना? मैंने तुम्हारे पापा को मारा? ऐसा नहीं हो सकता है। अरे उनका एक्सीडेंट किसी और ने किया है। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं भला उन्हें कैसे मार सकता हूँ? झूठ मत बोलो। मेरे पापा तुम्हें देखकर नहीं नहीं करके चिल्ला रहे थे, लेकिन तुमने ऑटो को टक्कर मार दी। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं किया। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तुम्हारे लिए मेरे दिल में थोड़ा बहुत जो प्यार था वो भी चला गया। आज के बाद मेरे पापा भी अगर बोलेंगे ना तो मैं तुम्हें नहीं स्वीकारूंगी। मेरी नजर में अब तुम मर चुके हो। आज के बाद तुम अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। जाओ यहाँ से। मैंने सुना तुम्हें बुखार आ गया था और तुम वो कि ठंडा पानी अपने ऊपर डाल रही हो। अरे तुम्हें कुछ भी हो सकता है। मैं भी मर जाऊंगी तभी तुम्हें चैन आएगा ना? इतना सब कुछ होने के बाद वो लड़की किसी और से शादी के लिए राजी तो हो ही सकती है। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो जैसे कोई मर गया हो? अरे यार बताओ ना क्या हुआ है। अगर मैं बोलूंगा तो तू सह नहीं पाएगा, इसलिए हम चुप थे। कुछ बोलो ना यार, किसी की जान चली गई है क्या? नहीं यार, तू सह नहीं पाएगा, रहने दे, तू जानकर क्या करेगा? नहीं, मुझे गुस्सा मत दिला, बता दे रहा हूं मैं। मीना की शादी तय हो गई है। शादी तय हो गई? हो गई क्या? शादी तय हो गई क्या? हो गई हो गई मतलब अरे शादी तय हो गई, शादी तय हो गई, हो गई। कन्फर्म शादी तय हो गई। यार मैंने बोला था ना मत बताना, अब देख क्या हो गया उसे। तू भी ना यार, कितनी बार कहा कि इसके सामने मजाक मत कर। शादी तय हो या कुछ हो, मुझे क्यों बता रहे हो तुम लोग? हाँ यार, अगर तुमने थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके उनसे माफी मांग ली होती तो आज तुम्हारी और उस लड़की की शादी हो जाती। मैंने कहा ना उसे मत याद दिलाओ, लेकिन तुम लोग हो कि मुझे बार बार उसकी याद क्यों दिलाते हो? हाँ उसे बहुत चर्बी आ गई है ना, मेरे घर शादी का कार्ड भेज दिया उसने। तेरे लिए नहीं, मेरे लिए थी। हाँ तो फिर जाना उसके घर पे पेट भर के खाना खा। भी चलना साथ में। मैं नहीं जाने वाला। तू उसे भूल गया ये बोल रहा था ना, तो तुझे जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना यही रहूंगा। यार उसकी शादी के दिन मैं इस शहर में नहीं रहूंगा, बल्कि इस देश में ही नहीं रहूंगा। मेरे ओनर का फ्रेंड मलेशिया में रहता है, नाम है हकीम, वहाँ जाके उसकी कार चलाऊंगा। यानी कि वो शादी कर रही है तो फिर भी तुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है? अरे मैं उसे भूल चुका हूँ। वो शादी में नहीं गया इसलिए उसके फ्रेंड्स भी शादी में नहीं गए, लेकिन वो गया था। जाकर उसने उस लड़की को चाकू मारा और उस लड़की का कत्ल कर दिया, यही तो मकसद था उसका। आइए आइए आइए, आप लोगों को लेट नहीं आना चाहिए था। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? किसने तुझे यहाँ बुलाया है? निकल यहाँ से, निकल। सर सर सर, मेरी बात सुनिए सर, पैर छोड़ सुनिए सर, पैर छोड़ सर,
छोड़ पर तू सर, ये शादी रोक, निकल यहाँ से सर, प्लीज जाओ, शादी रोक, मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से चले जाओ। तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे उसे देखने नहीं दूंगा, चाहे तू अपनी जान दे दे, लेकिन मैं तुझे उसे नहीं देखने दूंगा। निकल यहाँ से, ये शादी रोक दीजिए। क्या समस्या है? रोक दीजिए प्लीज, ये शादी रोक दीजिए। मैं मानी को देखना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे उससे मिलवा दीजिए प्लीज। पहले आप प्लीज छोड़ दीजिए, मैं दूसरे शहर चला जाऊंगा। पहले आप उठिए, आपकी सारी बातें मुझे मालूम है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? शादी के दिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं बस मानी को बधाई देने आया हूँ, ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, मैं बस उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। बस इतना ही ना, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। उसे मत लेकर जाओ दामाद जी, ये एक जहरीला सांप है, ये काटे बिना नहीं छोड़ेगा, इस पर विश्वास मत करना। डोंट वरी ससुर जी, मैं देख लूंगा, थोड़ा वेट कीजिए, मैं मीना को लेकर आता हूँ। कौन है जरा देखो। हाँ देखती हूँ। सॉरी, वन सेकेंड। जीजा जी, मीना खुद मंडप तक आ जाएगी, इतनी भी जल्दी क्या है? हाँ मनी आया है तुम्हें विश करने के लिए। नहीं जी, इस सिचुएशन में उससे मिलना बहुत गलत होगा, और उसकी जरूरत भी नहीं है, उसे जाने के लिए कह दीजिए। आए हुए मेहमान को बेइज्जत करके भेजना अच्छी बात नहीं। मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, ये बात मैं तुमसे खुद कह रहा हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है। अपनी शादी दूसरों के श्राप से नहीं शुरू होनी चाहिए, जाओ जाकर उससे मिल लो, संभल कर। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। एटलीस्ट उससे मिलकर तो आओ। Hey!
क्या भाग गया वो? अरे कहाँ गया वो? रिश्तेदारों ने उसे वहां से भगाया, इसलिए वो भाग गया। वो कहीं पर भी नहीं मिला। उसके साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं है। एक मिनट सुनो, मैं जरा बाहर जाकर आता हूं। मैं तुरंत आता हूं। जैसे ही बाहर निकलेगा ना, काट डाले वो आ रहा है। अरे ये लोग इधर ही है। तुम्हारे रिश्तेदार बाहर ही हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो जरूर आएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, डरना मत। मेरे माँ बाप के बारे में सोचते ही डर लग रहा है। अगर उन्होंने हमें सचमुच मार दिया तो? सब बच्चों के माँ बाप यही बोलकर डराते हैं, लेकिन हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तुम हो और तुम्हारे लिए मैं। ये देखिए, 4 साल पहले उसने इसी चाकू से मारा था। ठीक है, वो चाकू मार के भाग गया, उसके पीछे उसके रिश्तेदार भी भाग गए। उसे चाकू मारते हुए किसी ने देखा? नहीं मैम। फिर ये कंफर्म कैसे हुआ कि उसी ने चाकू मारा होगा? जब सब लोग उन लोगों को अलग कर रहे थे तब चाकू उसके हाथ में ही था। इसी चाकू से खून हुआ है मैडम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि इसी चाकू से उस लड़की की मौत हुई है। यही वो चाकू है मैडम। जो लड़की मुझे नहीं मिली वो किसी को नहीं मिलनी चाहिए, ये सोचकर वो साइको हो गया। उसका एग्जाम्पल ये सारे प्रूफ हैं। वो किस तरह का कैरेक्टर है, उसके ऑनर और उसके फ्रेंड्स ने स्टेटमेंट दिया है। ये लीजिए, देखिए। इन दोनों का स्टेटमेंट देखते हुए हम लोगों को भी लग रहा है कि इसी चाकू से खून हुआ है। वो दीजिए। बहुत अच्छा है। कितना सुंदर है ना? क्यूट है ना? सुपर। बहुत क्यूट है। सो नाइस। तुम्हें पसंद आया? हाँ। ओके। इसे पैक कर दीजिए। ठीक है मैडम। वेट वेट वेट, वो दीजिए। सॉरी मैडम, वो बिक चुका है। एक आदमी आया था, उसने वो बुक कर दिया है। ये मैं आपको नहीं दे सकता, सॉरी मैडम। ए, ये लड़के लोग ऐसे ही होते हैं, चीज रखवा कर बाद में आते नहीं है। इसे लड़की को बेच दो। नाइस। इसे भी पैक कर दीजिए। तुम्हें जो चाहिए था तुमने बोल दिया। हाँ बहुत अच्छा है सर। हाँ, उस दिन मैंने जो ताजमहल सेलेक्ट किया था वो पैक कर दीजिए ना। वो तो बिक गया है, आप कुछ और देख लीजिए। क्या कहा, कोई और ले गया? मेरी सेलेक्ट की हुई चीज किसी और को आप कैसे दे सकते हैं? मुझे वही चाहिए, अगर आपने नहीं दिया तो मैं सब तोड़ दूंगा। अरे क्या कर रहे हो तुम? अकल है कि नहीं? अगर तूने तोड़ फोड़ की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तू चाहे किसी को भी बुला ले, मेरी सेलेक्ट की हुई चीज किसी और को कैसे बेच सकता है तू? जिसे बुलाना है बुला अभी, मैं तो तुझसे ताजमहल लेके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। मालिक चलिए, इस लड़के का दिमाग कुछ ठीक नहीं है। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या यार, तूने 100 रुपए की चीज के लिए 500 रुपए की चीजें तोड़ दी? मुझे मेरी चीज मिल जाएगी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास था रे। तो क्या अपनी जान देकर लेकर आएगा? ए, मैं कुछ भी जान देके हासिल कर सकता हूँ। प्यार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। किसी के ऊपर विश्वास मत करना। ए, क्या हो गया इसे? ये जिस लड़की से प्यार करता है उससे फोन पर बात कर रहा था, लेकिन वो लड़की किसी और के साथ भागकर शादी कर ली। इसका मतलब इसे धोखा मिला है, अब ये भाई साहब खुदकुशी करना चाहता है। ओ, जो भाग गई उसके लिए जान देने जा रही है? फिर तो समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। ए, चला जा, कूद जा, कूद जा। अरे ऐसा मत करना। नहीं कूदता है तो मैं धक्का मारता हूँ। अरे अरे ऐसा मत कहो, अगर वो ऊपर से गिरेगा तो उसका हाथ पैर टूट जाएगा, पर जान बच जाएगी।
ओए कूदना, टाइम क्यों लगा रहा है? मैं कूदने वाला हूँ, अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं कूद जाऊंगा। अबे तुझे रोकने के लिए नहीं आया हूँ मैं, तेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए आया हूँ। मरने के लिए हिम्मत क्यों बढ़ा रहा है? अबे जो जीता है ना उससे ज्यादा हिम्मत मरने वालों की होती है, थोड़ी शराब पी ले हिम्मत आ जाएगी तुझे नीचे कूदने की। ये ले एक घूंट मार और नीचे कूद जा। मुझे दे दे यार। मैं उसके लिए मरने जा रहा था लेकिन उसे भी मेरी तरह दर्द महसूस होना चाहिए। अबे पागल हो गया क्या? वो ऐसा कुछ नहीं फील कर रही होगी, तुझे फील हो रहा है ना, इसलिए तू दाढ़ी और बाल बढ़ा के यहाँ वहाँ पागलों की तरह घूम रहा है। औरतों को कभी दाढ़ी बना के घूमते हुए देखा क्या? नहीं। हाँ, प्यार में धोखा खाए तो मरने के बारे में नहीं सोचने का। अरे वो हमारे बारे में कुछ ऐसा सोचती ही नहीं है, वो तो खुशी खुशी अपनी जिंदगी एंजॉय करती है। छे छे, ये लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं? प्यार में अगर धोखा मिल जाता है तो चाकू मार देंगे क्या? जिसमें लवर की खुशी इम्पोर्टेंट होती है तो उन्हें खुश रहने के लिए कहना चाहिए ना, उसे छोड़कर जाना ही सच्चा प्यार होता है। सच्चे दिल से प्यार करने वाले लोग कभी एसिड नहीं डालते, ये कैसा प्यार है? हा? जो हमें नहीं मिली वो किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, मर्द यही तो सोचते हैं। लड़कियां भी कम होती हैं क्या? शादी के लिए कानून, प्यार के लिए भी कानून, लेकिन माता पिता अगर किसी अच्छे लड़के को भी सामने लाकर खड़ा कर देंगे ना इनके, तो ये कहेंगी ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये पतला है, हजार कमियां बताती हैं। पर ये अगर खुद से प्यार करेंगी ना तो उनमें खूबसूरती नजर आती है। फिर जात पात, अमीर गरीब, किसी बात से कोई मतलब नहीं होता इन्हें, माता पिता के खिलाफ जाकर प्यार करती हैं। जिससे प्यार करती हैं उनका एड्रेस भी नहीं जानती हैं ये, इतने दिन उनके साथ रहने के बावजूद उनका बैकग्राउंड भी नहीं जानने की कोशिश करती। यहाँ तक कि उनका बैकग्राउंड कैसा है इस बात से भी कोई मतलब नहीं होता उन्हें। और आखिर में कोई इंसान इन्हें बेवकूफ बनाकर उन्हें छोड़कर चला जाता है या कोई उनका वीडियो बनाकर अपलोड कर देता है कहीं पर, उसके बाद वो यहाँ कर रोती है, अपनी इज्जत भी खो देती है। अभी इस पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने जितनी भी शादियां कराई हैं उसमें जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें धोखा मत देना, उन्हें छोड़ना मत, कैसे भी करके उन्हें पकड़ कर लाओ, इस तरह के ज्यादा लोग हैं। ठीक है ठीक है, उस मिसिंग केस का क्या हुआ? हाँ, उस लड़की के बाप को आने के लिए बोला था ना, आए क्या? हाँ, वो आकर बैठे हुए हैं। तुम चलो। ठीक है। नमस्ते सर। उस केस का क्या हुआ सर? आप कब बुलाएंगे? मैं उसी का कब से इंतजार कर रहा था लेकिन अब जाके आपने बुलाया। बढ़िया है, तुम इसमें बहुत इंटरेस्टेड हो, वेट करो बुलाता हूँ। हाँ बुलाइए सर। अंदर आओ। हाँ अभी आया सर। नमस्ते मैडम। हाँ हाँ आइए। आपके जैसे हिम्मत वाले लोगों की देश को जरूरत है। पुलिस हर जगह तो नहीं रह सकती है ना, आप जैसे लोगों की वजह से ही हमें इस घटना के बारे में पता चला और हमने मुजरिम को पकड़ा। आपने पुलिस की इतनी मदद की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू हैव डन अ गुड जॉब। थैंक यू मैडम। थैंक्स बोलने के लिए मैंने आपको बुलाया था। हाँ ठीक है मैडम, मैं आता हूँ मैडम। एक मिनट और। हाँ मैडम। इस फाइल को राइटर के पास देकर। ठीक है मैडम, मैं दे दूंगा। जिसका कत्ल हुआ था उस लड़की का बाप यही है। क्या हुआ सर, उस लड़की का आप लोगों ने क्या किया? अगर वो मेरे हाथ लग जाता तो मैं उसे खुद ही मार डालता। उसके बाद मेरी बेटी मर गई, इस सदमे से मैं पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए मैं उसे भूल गया। ठीक है, तब नहीं मिला लेकिन अब मिलते ही उसे मारकर नदी के किनारे ले जाकर कोई उसका चेहरा ना पहचान सके तो उसके चेहरे को खराब करके फेंक दिया ना उसे आपने। अरे मैडम, मैं अपनी बेटी को खोकर एक जिंदा लाश बनके जी रहा हूँ और आप मुझे ही खूनी ठहरा रही हैं। ठीक है, आपने उसका कत्ल नहीं किया। आपकी बेटी को जिसने चाकू से मारा था वो यही है ना?
वो ये नहीं है मैडम, ऊपर से चेहरा भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। इस केस में एक भी क्लू नहीं मिल रहा है। अरे बुलडोजर किधर, क्यों ढकेल रही हो, मेरी तो चटनी बन जाएगी। नमस्ते मैडम। कौन है ये? मैडम मैं और लोगों की तरह कोई नामचीन चोर नहीं हूँ मैडम, छोटी मोटी चोरी करने वाला हूँ। आज तक बड़ी बड़ी चोरी में नहीं फंसा हूँ। थोड़ी देर पहले एक पर्स को चुरा कर क्वार्टर पीने के लिए रुका था, इतने में इन्होंने मुझे इतना पीटा और मुझे यहाँ घसीटते हुए ले आई। पीने के बाद अगर मारती तो मुझे पता ही नहीं चलता। सर कैसे हैं सर? ठीक ठाक हूँ। मैडम मैं इनके घर पर भी चोरी करने के लिए गया था, 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले की बातें अभी तक नहीं भूले हो क्या? कैसे भूल सकता हूँ मैडम, वो कोई साधारण शादी थोड़ी थी। ऐसा खाना बनाया था, खीर पूड़ी सब्जी, मैं वही खाता रह गया, चोरी कर ही नहीं पाया और शादी भी रुक गई, शादी हो ही नहीं पाई। यानी उस घटना के समय तुम उसी जगह पर थे, तो तुम हमें सब कुछ सही सही बता सकते हो? हाँ मैडम। चलो बताओ उस लड़की को किसने चाकू मारा? नहीं मैडम नहीं, उस लड़की को चाकू उसने नहीं मारा, उसने लड़की से सच्चा प्यार किया था। एक प्यार करने वाले को ही बिछड़ने का दर्द पता होता है, मैं भी प्यार कर चुका हूँ। तेरे फ्यूचर के बारे में किसने पूछा? उस लड़की को चाकू मारने वाला कौन है वो देखा है कि नहीं बता? एक गवाह तू भी तो है। बताता हूँ सर, इनकी मार से मेरा पूरा बदन दर्द हो रहा है, एक क्वार्टर देंगे तो मैं उसे पीकर सच्चाई बता दूंगा। अंग्रेजी शराब नहीं चाहिए मुझे, देसी शराब चाहिए, बिल्कुल देसी। वो छोड़ो, मामला क्या है बताओ। मुझे जैसे ही पता चला कि शादी है, मैं अच्छे से कपड़े पहनकर पहुंच गया। इनके घर में भी शादी चल रही थी, सब लोग अच्छी तरह से कपड़े पहनकर तैयार थे। मैं वहां चोरी करने के लिए पहुंचा, तभी देखा कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं। इतने सारे गहने पहने हैं, कम से कम 4-5 किलो के तो होंगे ही। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये कोई पाप है क्या? अरे यार, हाँ प्यार करने वाले सारे लड़के जैसे नहीं होते हैं। आजकल लड़के क्या करते हैं, लड़कियों को फॉलो करते हैं, उनका पीछा करते हैं, बाइक पे घुमाते हैं, तरह तरह की उनसे बातें करते हैं, उनके ऊपर अपने पैसे खर्च करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया। वो लोग तो प्यार के नाम पे लड़कियों को यूज करके छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने तो तुम्हें सच्चा प्यार किया, तुम्हें कभी फॉलो नहीं किया, तुम्हारे नाम का टैटू भी नहीं बनवाया। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो मीना, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता हूँ, जबकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि प्यार ना मिलने पे कुछ गलत करूँ या फिर किसी की जान ले लूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन एक बात ये भी है कि मैं तुम्हारे प्यार में फांसी पे नहीं लटकने वाला हूँ। सॉरी मुझे भूल जाओ, एक बार ऐसा बोलती और फिर तुम चली जाती, मैं कुछ ही नहीं बोलता तुम्हें। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे प्यार में शराब पी के गांजा पी के नशेड़ियों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता? ऐसा नहीं है। आखिर तुम मुझे समझ क्यों नहीं सकी? बस तुम एक बार बोलती, मैं तुम्हें खुशी खुशी छोड़ देता और ये देश ही छोड़ के चला जाता। तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मेरा इंतजार करोगी, तो फिर ये कैसा इंतजार है तुम्हारा? हमारे साथ बिताए हुए सारे पलों को भूल गई तुम, ये कैसा प्यार है? सब भुला चुकी हो तुम। मेरी बात सुनो, हम लड़कों का दिल कोई पत्थर का नहीं होता है, हमें भी फीलिंग होती है, लेकिन ये सब तुम नहीं समझोगी। तुम जैसी लड़कियों को प्यार का मतलब ही नहीं पता है, अपना फायदा देखती हो तुम लोग बस। अच्छा बताओ तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है क्या? कहते हैं प्यार बहुत बड़ी चीज होती है, लोग 7 समुंदर पार चले जाते हैं। लेकिन तुमने प्यार को मजाक बना रखा। लेकिन तुम मेरे प्यार को अंदाजना चाहती हो, तो आज मैं तुम्हें अपना प्यार दिखाता हूँ। देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम नहीं समझोगी मैंने तुम्हें कितना प्यार किया। इंसान को जिंदगी में प्यार एक ही बार होता है, और मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया और तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं तुम्हें ये सब बताने नहीं आया। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार नहीं करना है तो मत करो, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरे इस फैसले की वजह तुम ही हो, तुम खुद सेल्फिश हो और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। नॉनसेंस, यहाँ पर तुम लोग इसी तरह केस को क्लोज करते हो क्या?
एक बेवकूफ मिल गया तो उसके सर पर सब कुछ बांध देते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, केस क्लोज नहीं कर सकते, असली खूनी को ढूंढना ही होगा। मिट्टी से खोदकर उसकी बॉडी निकालो, दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके मैडम। ये लोग खोद रहे हैं कि दफना रहे हैं? मैडम, इस गड्ढे के अंदर एक और बॉडी है। व्हाट? हाँ, एक और बॉडी है। दोनों को एक साथ दफनाया क्या? निकालिए। ओके सर। Crucial evidence. Be very yes, careful. लगता है अंदर से बॉडी निकलती ही रहेगी। आराम से बॉडी को बाहर निकालो। संभल कर, कहीं मोच ना आ जाए। May I come in, madam? मैम, ये दोनों लाशों की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट से हमें ये पता चला है कि दोनों की मौत चाकू लगने से हुई है। उनमें से एक आदमी है जिसकी उम्र 26 साल है और एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल है। ये सब रिपोर्ट में लिखा है। उम्र का पता चलता है क्या? हाँ, सब कुछ हो सकता है। हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये वही है क्या? वो कैसे आया इस गड्ढे के अंदर, वो भी गले लगाकर? इन्हें मारकर दफनाया गया है या जिंदा दफनाया गया है? फिर नदी किनारे जो बॉडी मिली थी, वो बॉडी किसकी है? गले लगाए हुए गड्ढे में दफन दो लोग, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे गले लगाए हुए गड्ढे में दो लोग कैसे? कैसे हो सकता है ऐसा?
आखिर क्या सच्चाई है? क्या कैसे हो सकता है ये? शादी के जोड़े में देखने वाली लड़की को इस हालत में देख रहा हूँ। अरे संभालना। ये क्या हो गया? गुड मॉर्निंग मैम। क्यों मैडम, आज बहुत खुश लग रही हैं आप। ऐसा क्या स्पेशल हुआ है जो आज आप इतनी खिलखिला रही हैं? बहुत दिनों से एक चीज बहुत परेशान कर रही थी, हाँ आज वो क्लियर हो गई है। अरे बहुत बढ़िया, सुपर। आपको लड़का मिल गया क्या? ये लोग अभी भी यहीं पर है क्या? अगर हमने इन्हें बाहर छोड़ दिया तो हम अंदर हो जाएंगे। क्यों? बाहर देखिए, इसके नाना चाचा मामा फूफा सब लोग रिश्तेदार आजू बाजू वाले तलवार लेकर बाहर खड़े हैं। पुलिस को देखते ही सब छुप जाते हैं, हमारे अंदर आते ही फिर से वो लोग बाहर निकल आते हैं। अगर इन्हें बाहर जाने दिया तो इन दोनों की बोटी बोटी काट कर ले जाएंगे वो लोग। इधर आइए मैम। मैडम बुला रही है ना, आओ। ये कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या नौकरी करता है, कितना कमाता है? मेरी बात सुनो, जाकर इनके पेरेंट्स से बात करो, अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर शादी करा देंगे ताकि ये लोग खुशी खुशी रह सके, ठीक है? ऐसा हो तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा ना। कुछ भी सोचा नहीं है, पर्स खाली रहेगा, पेट आगे आ जाएगा, सही बात है ना भाई? प्यार की जीत के लिए सिर्फ शादी हो जाए तभी
प्यार की जीत नहीं होती है इस बात पर जरा ध्यान दो, ठीक है? उनके सपोर्ट के साथ अगर तुम्हारी शादी हो गई तो परिवार तो ठीक से चला पाओगे ना तुम लोग? ये सब तुम लोग ठीक से सोच लो। अब तुम लोग उनकी सपोर्ट लोगे या फिर बिना किसी सपोर्ट के ये करोगे? सिर्फ प्यार ही चाहिए या परिवार भी, लव या पेरेंट्स? अच्छी तरह से सोच कर फैसला करो। नहीं मैडम, हम दोनों ने सोचा है कि हम एक साथ ही रहेंगे। जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। पापा ने मेरी शादी दूसरी जगह तय कर दी, इसीलिए मैं इनके साथ भाग कर आई। लेकिन यहाँ आने के बाद आपने जैसा कहा वैसा ही सवाल हमने एक दूसरे से पूछा। मैं 60,000 कमाती हूँ और संजय भी उतना ही। जब सैलरी मिलेगी तो एक के सैलरी से हम खर्चा चलाएंगे और दूसरे के सैलरी को बचा लेंगे और कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे संजय पर पूरा भरोसा है मैडम। हम दोनों की शादी करवा दो। हाँ मैम। वेरी गुड। किसी के सपोर्ट के बिना तुम लोग जी सकते हो, ये तुम्हारी हिम्मत को देखते हुए तुम दोनों के प्यार को मानती हूँ मैं। दोनों के पेरेंट्स को आने के लिए कहो। मैडम वो लोग आ गए। लड़के के पिता आप हो ना? और लड़की के पिता आप हो? हाँ मैडम, मैं ही हूँ। ये लोग रिश्तेदार हैं क्या? हाँ मैडम। इन दोनों की शादी से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? या हम इनकी शादी करवा दें? मैडम आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हमारा परिवार एकदम खुश था कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। हाँ। वो जो मांगती थी, जो कहती थी, उसे जिस चीज की जरूरत होती थी हम उसे खुद लाकर देते थे। बस इतना ही काफी नहीं है मैडम? बिना पैसे के परवाह किए हमने इसकी अच्छी पढ़ाई करवाई। उसकी शादी के लिए हमने एक अच्छा घर देखा था। इसकी पढ़ाई पूरा करने के लिए हमने इतनी मेहनत की और इसने हम लोगों को ये सिला दिया। हम लोगों की इज्जत की परवाह किए बिना ये इस लड़के के साथ भाग गई। इसकी वजह से मेरे रिश्तेदारों और समाज के सामने मेरा सर झुक गया। इसे अपनी बेटी कहने में भी अब तो मुझे शर्म आने लगी है मैडम। आपसे मेरी यही गुजारिश है मैडम कि इसे किसी भी तरह समझा बुझा कर हमारे साथ भेज दीजिए। अब आप ही इसे हम लोगों की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश ना करें। क्या भाई, तुमने लड़की को जन्म दिया है, बाकी लोग बैल को जन्म देते हैं। लड़की ने किसी को पसंद किया तो उसे मारने के लिए तुम लोग तलवार लेकर आ गए हो, ये क्या है? सॉरी, यू आर प्रोसीड। मैडम मजदूरी का काम करके, मेहनत करके, कष्ट उठाकर इसे पढ़ाया मैंने। हाँ। क्योंकि कल ये बड़ा होकर हम लोगों की तरह तकलीफ ना उठाए। ये बड़ा होकर नौकरी करेगा और हम लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और इसे देखो, देखो इसने इस लड़की को भगा कर मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अगर आज ये अपना मन बदलकर हम लोगों के साथ नहीं आया तो आज के बाद ये मेरा लड़का ही नहीं है। पर बहुत खुशी होगी अगर आप लिख कर दे देंगे कि ये आपका बेटा नहीं है। चलते रहो, चलते रहो। सुनो भाई, इस तरफ लड़की का बाप कहानी बता रहा है, इधर ये कहानी बता रहे हैं, यहाँ ये दोनों कहानी बता रहे हैं। किसकी कहानी सुने हम लोग? मैडम आप ही अच्छा फैसला सुना दीजिए। जब से ये दोनों आप लोगों को ठुकरा कर घर से निकले थे तब से ही आपके बच्चे नहीं रहे। इतना ही नहीं, दोनों कानून के हिसाब से बालिग हैं, शादी करने से कोई रोक नहीं सकता इन्हें। आपकी लड़की को जो पसंद था सब कुछ खरीद के आपने दिया, अब वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती है तो आप मान क्यों नहीं रहे? उनकी खुशी आपकी खुशी हो तो इनकी शादी करवा दीजिए। अगर अभी आप उन दोनों से बिछड़ गए तो वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अपने बच्चों की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना आप लोग? शादी के लिए मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है मैडम। मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है ठीक है, तुम लोग अच्छे से रहो, यही मेरी आशा है। देखो मेरे शरीर में जब तक ताकत है मैं मेहनत करके खा लूंगा, लेकिन तुम लोग खुश रहना। चलो चलो। रुक जाइए रुक जाइए, रुकिए। अगर आपके बच्चे यहाँ नहीं आए होते और अगर मर गए होते तो क्या होता? जिंदा रहना और खुशी से रहना तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो खुशी की बात ही है ना। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये दोनों एक साथ प्यार से और खुशी के साथ रहे, बस इतना ही। सुनिए माला लेकर आइए। अभी लाया मैडम, मुझे पता था ऐसा ही होगा इसलिए माला लेकर आया था। ये लो एक दूसरे को माला पहनाओ। खुश रहो बच्चों। आशीर्वाद दीजिए। वहाँ वहाँ चलो आ जाओ।
नहीं नहीं नहीं, आशीर्वाद देने के हालत में मैं नहीं हूं। जाओ, मेरी लड़की है ही नहीं, मैंने मान लिया। चलो चलो यहाँ से, आशीर्वाद देने के हालत में बच्चे माँ बाप का ख्याल रखना बिल्कुल नहीं जानते। कुछ मत सोचो, खुशी से जिंदगी की शुरुआत करो, एक दिन वो लोग खुद ही तुम्हारे पास चले आएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। आशीर्वाद नहीं दिया तो बुरा मत मानना, कल लड़का या लड़की का जन्म होगा ना, तो कल दादाजी ही अपनी गोद में उसे खिलाएंगे और सुसु कराएंगे, फिर तुम लोगों को साफ करने के लिए बुलाएंगे। आप यहाँ से जा रहे हैं ना? सुहागरात यही मनाओगे क्या? हम लोग सुहागरात की जिम्मेदारी नहीं लेते, कहीं जाओ अच्छे से जिंदगी की शुरुआत करो। ऑल द बेस्ट। मरकर दूसरों को मारना इसी को कहते हैं। यही कहीं फोटो में कुछ दिख रहा है क्या? ढूंढिए। फोटो वाली जगह तो यही है। अच्छी तरह से ढूंढिए मैडम, यहाँ सिर्फ एक ही एविडेंस डेड बॉडी मिली थी, उसे भी हम लोग उठा कर ले गए थे। नो वो स्टिक इधर लेकर आइए और देखिए यहाँ पर कुछ है क्या, कुछ तो होना चाहिए। ये क्या, ये घास को छूकर लाश का फील ले रही है। को इतना घूर क्यों रही है? नमस्ते सर। हाँ। क्या सर, वापस आपने मुझे बुलाया, क्या वो कातिल मिल गया क्या सर? नहीं मिला होगा ना, वो एकदम खिलाड़ी है सर। वो इतनी जल्दी आपके हाथ नहीं लगेगा, बहुत ही मुश्किल है सर। अरे कत्ल करने वाले को पहचानने के लिए बुलाया है तुम्हें, समझ रहे हो? कातिल लगभग मिल ही गया है हमें। अच्छा ऐसा क्या, कहाँ है सर वो? सर मैं बस उसे देखना चाहता हूँ, अभी तक मैंने किसी कातिल को सामने से नहीं देखा है। बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। अब देखेगा तू, दिखाता हूँ चल। हाँ सर। क्या मैडम, उस कातिल को आपने पकड़ लिया? पकड़ लिया उसे। बहुत अच्छे मैम, अब सिर्फ उससे स्टेटमेंट लेना ही बाकी है। वो है कहाँ मैडम, मैं उसे देखना चाहता हूँ मैडम। हाँ? मेरे सामने एक्टिंग कर रहा है तू? मैंने तो झूठ बोलता है मुझसे। चल बता, तूने ही कत्ल किया ना उसका? मैंने नहीं किया मैडम। जिसकी बॉडी मिली थी उसके फोन से तूने ही फोन किया था ना? मुझे कुछ नहीं पता मैडम। उसी फोन से तूने पुलिस स्टेशन में भी फोन किया था। तुझे क्या लगता है, हाँ तुम्हारे हाथों की फिंगरप्रिंट ग्लास पर मिले थे, मैंने जो फाइल दी थी उन फिंगरप्रिंट्स को मैच करके बोल रही हूँ मैं। बोल बोल, क्यों किया तुमने उसका खून, बोल। मैडम मैंने ही मर्डर किया, मैंने ही उसका कत्ल किया मैडम, मैं ही कातिल हूँ। ये सब कुछ शराब की आदत की वजह से हुआ है मैडम। मैं और रॉबर्ट शराब पीते हुए फ्रेंड्स बने और हम दोनों मिलकर एक साथ शराब पीते थे मैडम। शराब डाल यार, तू डाल ले, चल पी ले मेरे दोस्त। उस दिन मुझे कम पड़ रही थी इसलिए मैंने और मंगाई मैडम। यार मुझे और चाहिए। तुम मांगोगे, मुझे पहले से पता था, इसलिए मैं लेकर आया हूँ, ये देख। सुपर मेरे यार, डाल डाल। अरे डालना तू यार, तू भी क्या याद रखेगा। अरे बस बस, अरे हाँ मैं डालता हूँ। बहुत डाल दिया। फिर हम दोनों साथ मिलकर और ज्यादा पीने लग गए मैम।
और तब हम दोनों ने बहुत ज्यादा पी ली थी। और तभी तभी रॉबर्ट बता रहा था कि तो ऐसे मैंने कितने लोगों को शराब लेकर दी है पता है? पर मैं क्यों लेकर देता हूँ क्या तुम जानते हो? क्यों देता है? मैं लेकर देता हूँ क्योंकि मेरे साथ जो पीते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं। फिर मैं उन्हें छोड़ने के लिए उनके घर जाता हूँ। तब उनकी पत्नी खाना बनाकर उनका घर में इंतजार करती है और वो चुपचाप जाकर घर में सो जाता है। और उसकी पत्नी गर्म रहती है तो फिर मैं खाना खाता हूँ और उसकी गर्म पत्नी को भी खा जाता हूँ। तुम्हें पता है ऐसा मैंने कई बार किया है। सच में बड़ा मजा आता है। हाँ, बहुत मजा आता है। कसम से भाई पूरे तन बदन में आग सी लग जाती है। उसकी ये बात सुनते ही शराब का पूरा नशा उतर गया मैम। पर तू कितनी भी शराब पी ले तुझे तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ती यार। मैंने सोचा उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने फैसला किया तभी। पता नहीं मैं तुम्हें घर छोड़ने कब जाऊंगा। अरे छोड़ मुझे, क्या कर रहा है? अरे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अशोक, नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़। अरे फिर मैंने उसका गला दबा दिया। तू जिंदा रहने लायक नहीं है, तुझे मरना होगा। मरेगा तू आज, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे मुझे। मर जा तू, मर जा। छोड़ मुझे अशोक, क्या कर रहा है? मुझसे बचना चाहता था। जोर दे। और उसी वक्त मैंने उसका सर फोड़ दिया। उसकी जान जाने तक मैंने उसे मारा, घसीट कर उसे नदी के किनारे फेंक दिया। वो चेहरा मुझे पसंद नहीं था मैडम। वो चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था मैडम। मैंने तभी मैंने बहुत बड़े पत्थर से उसके चेहरे को कुचल दिया। मेरी भी एक खूबसूरत वाइफ है मैडम। उसका खून करने वाला भी मैं ही हूं मैडम। मैं खुद सरेंडर करने वाला था मैडम, लेकिन आप लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया। अब मुझे कोई भी सजा दे दो मैडम, कोई भी सजा दे दो, बस कोई भी सजा दीजिए ना मैडम, मुझे मंजूर है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो काम किया है वो कानून के हिसाब से गलत है मैडम। मासूम लड़कियों की हालत का फायदा उठाकर उसकी इज्जत लूटने वाले को ऐसे ही छोड़ने का मेरा मन नहीं मान रहा था मैडम। आज के बाद उसकी वजह से किसी भी औरत की जिंदगी नहीं बिगड़ेगी। इस तरह अब उसकी पुजारी जैसे लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया मैडम। मैम चलो उसे डिलीट कर दो। ओके मैम।